हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी। और वोकेबलरी एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश सेक्शन का जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में कॉमनली पूछा जाता है, पर्टिकुलरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में वोकेबलरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और SSC एग्जाम्स में तो वोकेबलरी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूछी जाती है, एक अलग उसका सेक्शन होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में मैंने 10 कोर वर्ड्स लिए हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स लिए हैं जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो क्लास के थ्रू करीब 50 to 60 वर्ड्स आप सीख पाएंगे जो कि कोर वर्ड्स हैं। तो ये वीडियो क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए एक वर्ड दिया है इनंडेशन, ठीक है, और ये है इसका कॉन्टेक्स्ट, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग बताना है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट दिया है टू कवर विद एक्सेस ऑफ वाटर। इनंडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बाढ़ आ जाना, चाहे वो कस्टमर्स की बाढ़ हो, चाहे चाहे रिस्पॉन्स की बाढ़ हो, किसी भी चीज़ की अधिकता या एक्सेस में होना, उसको हम बोलते हैं इनंडेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है टू कवर विद एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जाना। तो उस सेंस में इनंडेशन का सही मीनिंग क्या होगा, उस सेंस में इनंडेशन का सही मीनिंग होगा डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़ आ जाना, ठीक है, पानी, बहुत ज़्यादा पानी भर जाना, उसको हम बोलते हैं डेल्यूज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डेल्यूज। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको हम देखते हैं, सोख का क्या मतलब होता है, पानी, किसी चीज़ का पानी में, किसी चीज़ का पानी को सोख लेना, जैसे हम पानी में किसी चीज़ को गलाते हैं, ठीक है, रात में हमने उस चीज़ को गलाया और सुबह वो पूरी तरीके से सोख हो जाती है, पानी उसमें घुस जाता है, अंदर इमर्स हो जाता है, तो उसको हम सोख बोलते हैं। बेलोइंग का मतलब किसी चीज़ में इंडल्ज होना, किसी चीज़ में प्लेजर या मज़े लूटना किसी चीज़ के, दैट इज कॉल्ड बेलोइंग। डेल्यूज पानी की बाढ़। ओवरवेलम का क्या मतलब है, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। ओवरवेलम का मतलब होता है एक तो ग्रेट क्वांटिटी या बड़ी क्वांटिटी में कोई चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड ओवरवेलम। ओवरवेलम हम फीलिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओवरवेलमिंग डिज़ायर, यानी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ठीक है। तो ओवरवेलम का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या ग्रेट। और इन गल्फ का मतलब होता है किसी चीज़ का चारों तरफ से, किसी चीज़ से सराउंड हो जाना या घिर जाना, तो ये होता है इन गल्फ का मतलब। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डेल्यूज। डेल्यूज यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इनंडेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनंडेशन। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड वर्ड स्लेंडर। स्लेंडर का यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या दिया है, मेक फॉल्स एंड डैमेजिंग स्टेटमेंट अबाउट समवन। किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट देना जिससे उसकी इज्जत या गरिमा खराब हो, ठीक है। मेक फॉल्स एंड डैमेजिंग स्टेटमेंट अबाउट समवन, स्लेंडर, किसी को बदनाम करना, कुछ कुछ गलत बोलना किसी के बारे में, दैट इज कॉल्ड स्लेंडर। अब यहाँ पर वर्ड्स क्या दिए हैं, एक तो वर्ड दिया है बैक स्टैबिंग। स्टैबिंग का मतलब होता है किसी में चाकू मारना, दैट इज स्टैबिंग। बैक स्टैबिंग का मतलब होता है पीठ पीछे बुराई करना, चुगली करना, दैट इज उसको हम बैक बाइटिंग भी बोलते हैं। बैक स्टैबिंग भी उसी सेंस में यूज होता है, लिटरल सेंस में इसका मतलब है किसी को किसी में स्टैबिंग एक्चुअली होता है चाकू मारना, किसी में स्टैबिंग। बैक स्टैबिंग मतलब किसी के पीठ पीछे बुराई करना या बैक बाइट करना। सोलिलोक्यू होता है मोनोलॉग, जैसे जैसे स्टेज पर कोई एक्टर, थिएटर में कोई एक्टर नाटक करता है और अपने आप से ही कुछ बोलता है, दैट इज कॉल्ड सोलिलोक्यू, ठीक है। मिस रिप्रेजेंट मतलब किसी चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना। सपोज कहीं पर एक 100 रुपए का अमाउंट है, लेकिन आपने बताया कि वो अमाउंट 100 का नहीं था, वो 60 रुपए का अमाउंट था, 60 का अमाउंट था, तो आपने उस फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट किया, ठीक है। कैल्यूमनी होता है किसी को डीफेम करना, तो कैल्यूमनी यहां पर इसका इक्विवेलेंट वर्ड है, कैल्यूमनी, ठीक है। तो फोर्थ यहां पर इसका सही आंसर होगा हार्ड लाइन का मतलब होता है किसी के प्रति स्ट्रिक्ट होना, टेक ए हार्ड लाइन ऑन समबडी। तो इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ, ठीक है। स्लेंडर द एक्शन और क्राइम ऑफ मेकिंग अ फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट डैमेजिंग टू अ पर्सन्स रेपुटेशन, ये इसका मतलब है। कैल्यूमनी यहां पर इसका सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इम्प्रोविडेंट। देखिए प्रोविडेंट का मतलब होता है वाइज या बुद्धिमान, इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है जो वाइज या बुद्धिमान नहीं है।
लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करना है? क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रोन टू रैशनेस एंड रैकलेसनेस, मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना, जल्दी करना, ठीक है? तो वो होता है इम्प्रोविडेंट। और इम्प्रोविडेंट का इक्विवेलेंट जो है वो है इसमें से इम्प्रूडेंट, क्योंकि प्रूडेंट का मतलब भी बुद्धिमान होता है, इम्प्रूडेंट मतलब जो बुद्धिमान नहीं है। तो यहां पर इसका इक्विवेलेंट होगा इम्प्रोविडेंट का इम्प्रूडेंट। अब इन वर्ड्स को हम देखते हैं, बिगटेड का क्या मतलब है? बिगटेड का मतलब है जो बहुत ही ज्यादा ऑब्स्टिनेट है, जिसके ओपिनियन बहुत ही ज्यादा ऑब्स्टिनेट है, वो केवल अपने ओपिनियन को मानता है, दूसरे किसी ओपिनियन को, किसी किसी फिलॉसफी को, किसी रिलीजन को वो नहीं मानता, ठीक है? बिगॉट उसको हम बोलते हैं। प्रोडिगल मतलब जो वेस्टफुल है, या तो पैसे के सेंस में मान सकते हैं या किसी और सेंस में, जो जो किसी भी चीज को वेस्ट करता है, दैट इज प्रोडिगल, वेस्टफुल। फ्रूगल इसका उल्टा है, फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी, इकोनॉमिकल, जो जो जितना जरूरत है, जितना रिक्वायर्ड है, उतना ही पैसा खर्च करता है। पार्सिमोनियस होता है कंजूस, इसको हम माइजरली भी बोलते हैं, ठीक है? तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? इम्प्रूडेंट इसका सही आंसर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इम्प्रोविडेंट का मतलब है नॉट हैविंग और शोइंग फोरसाइट, स्पेंडथ्रिफ्ट और थॉटलेस, ये इसका सही मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज, ठीक है? जो बहुत फसी है, बहुत छोटी 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 चीजों पर ओवरली कंसर्न है, ओवरली कंसर्न अबाउट टाइडीनेस एंड क्लैनलीनेस अबाउट समथिंग, जो बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों में कंसर्न है या तुनक मिजाज है। उसके लिए सही वर्ड क्या है? उसके लिए इनमें से सही वर्ड है आपका फिनिकी। फिनिकी मतलब फसी, ठीक है? रिगरस का मतलब है कड़ा, जैसे रिगरस ट्रेनिंग होती है, कड़ी ट्रेनिंग, ठीक है? ये है एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग, जो करेंट में है। ये EXTENT एक्सटेंट है, EXTENT एक्सटेंट मतलब होता है रेंज, किसी भी चीज की सीमा या रेंज। पेन स्टिकिंग का मतलब होता है थॉरो या केयरफुल, डिटेल्ड का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव। तो यहां पर फास्टिडियस का सही मतलब होगा फिनिकी। आप देख सकते हैं आंसर 3 इसका सही आंसर है, वेरी कंसर्न अबाउट मैटर्स ऑफ क्लैनलीनेस, ठीक है, फास्टिडियस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रिस्टीन, इसको आप प्रिस्टीन भी बोल सकते हैं, प्रिस्टाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है? प्रिस्टीन या प्रिस्टाइन का मतलब है अनटच्ड और अनयूज्ड एंड नॉट पॉल्यूटेड बाय एनीवन, फ्रेश। तो प्रिस्टीन का क्या सही इसमें मीनिंग हो सकता है? लाइवली का मतलब होता है चीयरफुल, सरीन का मतलब होता है ट्रैंक्विल यानी शांत, कॉर्सेज या कॉर्साज एक्चुअली एक एक वुमेन के एक पहनने का एक वो होता है, एक आभूषण टाइप का होता है, एक ऑर्नामेंट होता है, फूलों से यह बनता है, ठीक है? बटन होल भी वही होता है, बटन में जो होल होता है उसको भी हम बटन होल बोलते हैं, और बटन होल वर्ब की तरह भी यूज होता है, जब कोई व्यक्ति या कोई बॉस किसी एम्प्लॉय को रोक लेता है बात करने के लिए, डिटेन कर लेता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बटन होल। इनेट का मतलब होता है जो जन्म से है, जो इनबोर्न है, जैसे इनेट क्वालिटी, ठीक है? तो प्रिस्टीन का इनेट यहां पर काफी क्लोज है, क्योंकि जो इनेट होता है वो भी ओरिजिनल या अनटच्ड होता है। तो इनेट यहां पर इसका इक्विवेलेंट होगा, ऑफ ए प्लेस अनटच्ड और अनयूज्ड एंड नॉट पॉल्यूटेड बाय एनीवन, ठीक है? इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, प्रिस्टीन का मतलब है इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन और अनस्पॉइल्ड, और जो इनेट क्वालिटीज होती हैं वो भी अनस्पॉइल्ड और ओरिजिनल फॉर्म में होती हैं। तो इनेट इसमें आपका इक्विवेलेंट वर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फॉक्सी एक्चुअली फॉक्स से बना है, फॉक्स यानी लोमड़ी, और लोमड़ी होती है चालाक, ठीक है? तो फॉक्सी के लिए यहां पर कॉन्टेक्स्ट किया गया, समवन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहां पर कॉन्टेक्स्ट अलग दिया है, फॉक्सी का मतलब होता है चालाक, लेकिन यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या दिया है? समवन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उस सेंस का मीनिंग आपको बताना है, और उस सेंस का सही मीनिंग है डिसीटफुल। डिसीटफुल मतलब जो मिसलीडिंग है, जो धोखा देता है, दैट इज कॉल्ड डिसीटफुल। और इसका जो नाउन फॉर्म है वो होता है डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा। तो यहां पर 4th इसका सही आंसर है, सीनाइल का मतलब होता है जो बुढ़ापे की वजह से, ओल्ड एज की वजह से वीक है या फीबल है, उसको हम बोलते हैं सीनाइल। सेगेसियस मतलब वाइज यानी बुद्धिमान, कैनी का मतलब भी वाइज यानी बुद्धिमान, पंजेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का टेस्ट या स्मेल बहुत ज्यादा तीखी है,
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पंजेंट। इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा ब्लेंड, क्योंकि ब्लेंड का मतलब होता है फीका, BLEND, और BLEND ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना। तो यहां पर फोर्थ इसका सही आंसर होगा, फॉक्सी यानी कनिंग, डिसीविंग और मिसलीडिंग अदर्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मॉर्सल। मॉर्सल एक छोटा सा, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने का जो छोटा सा निवाला होता है उसको हम बोलते हैं मॉर्सल। ए स्मॉल पीस और अमाउंट ऑफ फूड, अ माउथफुल। तो इसके लिए सही वर्ड क्या है? इसके लिए सही जो वर्ड है वो है निबल, निबलिंग जैसे हम बोलते हैं, जैसे जैसे छोटी सी गिलहरी होती है, ठीक है, वो कुतर कुतर के खाने को खाती है, तो उसको हम बोलते हैं निबलिंग। तो यहां पर इसका सही इक्विवेलेंट है निबल। बाकी सारे वर्ड, स्लाइस का मतलब टुकड़ा होता है, स्ट्रे का मतलब जैसे स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, घूमते रहते हैं, आवारा एनिमल्स जो होते हैं, स्लिक का मतलब पॉलिश्ड होता है, टस का मतलब छोटा होता है, टस, ठीक है। तो यहां पर निविल आपका सही आंसर होगा, क्रम्स, माउथफुल बाइट और पीसेस ऑफ ग्रेन। नेक्स्ट देखते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब ऐसे कैंसिल करना होता है, किसी चीज को वापस ले लेना या कैंसिल कर देना। तो एनल इसका एक्चुअली लिटरल मीनिंग है, लेकिन यहां पर लिटरल मीनिंग नहीं चाहिए आपको, यहां पर इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपको बताना है। तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है? यहां पर कॉन्टेक्स्ट है इवेड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी से मुकर जाना, उससे बचना। इवेड का मतलब होता है बचना, तो इस सेंस में एक्चुअली डेरिलिक्शन सही वर्ड है, अपनी जिम्मेदारी से, कर्तव्य से मुकरना। इसका डेरिलिक्शन का एक सेंस और होता है, जैसे कोई बिल्डिंग होती है वो खंडर हो जाती है, पुरानी हो जाती है, उसको भी हम डेरिलिक्शन बोलते हैं। एनएल का मतलब कैंसिल होता है, एबोलिश का मतलब किसी प्रथा को, किसी ट्रेडिशन को हटा देना, खत्म कर देना, एबोलिश कर देना। डिवाउर का मतलब होता है बहुत ग्रीडीली किसी चीज़ को खाना, जैसे सपोज आप 2 या 3 दिन से भूखे हैं और अचानक से आपको एक टेस्टी खाना मिल जाता है, तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेजी से आप उसको खाते हैं, ठीक है। तो ईट ग्रीडीली का मतलब होता है डिवाउर, या डिवाउर का मतलब होता है ईट ग्रीडीली। और ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है पेरूज, इसका मतलब होता है रीड थॉरली, एग्जामिनेशन करना, सुपरवाइज करना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना उसको, उसको हम बोलते हैं पेरूज। तो यहां पर सही इसका इक्विवेलेंट कॉन्टेक्स्ट के सेंस में होगा डेरिलिक्शन। द शेमफुल फेलियर टू फुलफिल वंस ऑब्लिगेशंस। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोडिजी। प्रोडिजी के कई मीनिंग हैं, देखिए यहां पर इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी, ठीक है, किसी क्वालिटी का एक सबसे बड़ा या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होना। तो उस सेंस में आपको मीनिंग निकालना है इसका, उस सेंस में इसका मीनिंग है इपिटमी। देखिए इसका जो उच्चारण है, कुछ लोग इसको पढ़ सकते हैं एपिटोम, लेकिन एपिटोम इसको नहीं पढ़ना है, इसका उच्चारण है इपिटमी, ठीक है। इपिटमी इसका सही इसका आंसर होगा। मॉडल ऑफ एक्सीलेंस, किसी भी चीज़ का एक बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे 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 एक्टिंग का बेस्ट एग्जाम्पल आप किसको देंगे? अमिताभ बच्चन को। तो अमिताभ बच्चन क्या हुआ? एपिटेमी ऑफ एक्टिंग। क्रिकेट का बेस्ट एग्जाम्पल आप किस किस किसको देंगे? सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर इज द एपिटेमी ऑफ क्रिकेट, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल उस चीज का। तो ये है इसका सही सही आंसर, एपिटेमी। इमेकुलेट होता है फॉल्टलेस, एकदम परफेक्ट। सलीड होता है एक जो प्योर नहीं है, जीनियस, मास्टरमाइंड। और सब्लूनरी का मतलब होता है जो अर्थली है, टेरिस्ट्रियल है या टेम्पोरल है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्रोडिजी का एक मॉडल और पैराडाइम और आइडियल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब, एक होता है मेट्रोपॉलिटन, एक होता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोस का मतलब होता है वर्ल्ड, पूरा संसार। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार के कल्चर्स के साथ और कंट्रीज के साथ अपने आप को ढाल सकता है, फेमिलियर विथ एंड एट ईज इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स। तो इसके लिए सही इक्विवेलेंट क्या हो सकता है? वर्डली हो सकता है, वर्डली इसमें सही आंसर होगा आपका, ठीक है। वर्स्ट का मतलब होता है किसी चीज से परिचित होना, ठीक है। कार्नल का मतलब होता है इंद्रियों से संबंधित, प्लेजर से संबंधित, ठीक है। टेलोरिक का मतलब होता है अर्थली, फ्लैशी का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा फ्लैश या मास है, जो बहुत ज्यादा फैट है। तो यहां पर इसका आंसर होगा 4। तो इस तरीके से ये वर्ड्स मैंने डिस्कस किए हैं, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, और ये काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कोर वर्ड्स हैं,
और सभी बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स के लिए ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।